मोदी ने दुनिया का सबसे उपजाऊ जमीन विदर्भ मराठवाड़ा को किसानों का कब्रिस्तान कहा है। पी साईनाथ जी ने किसानों की जानलेवी समस्याओं को अपने पत्रकारिता के जरिए न्याय दिलाने की कोशिश की। अपने किसानों के प्रति आस्था की बदौलत उन्होंने पद्मश्री पुरस्कार भी लेने से इनकार कर दिया। बावजूद इसके आज तक किसी सरकार ने किसानों की जानलेवा समस्याओं की तरह जानबूझकर अनदेखी की है। किसानों की उम्मीदें उस दिन जलकर खाक हो गई जब लोकसभा चुनावी घोष पत्र में विद्यमान भाजपा सरकार ने किसानों से स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों का अमल करने के वायदों के साथ उपज मूल्य और 50% मुनाफे को मिलाकर उपज मूल्य देने से सीधे सीधे कोर्ट में हवलनामा देकर इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जिस कांग्रेस से नाराज होकर किसानों ने और किसान आंदोलनों ने भाजपा का साथ दिया, उस भाजपा की सरकार ने 3 साल कार्यकाल में किसानों की आत्महत्या कम होने की बजाय 1.5 गुना बढ़ा दी है। लंबे चौड़े भाषण देने वाले नेता किसानों को फिर से बेवकूफ बनाने में लगे हैं। किसानों की कमाई दुगनी करने की नई घोषणा देकर फिर से झूठ बोलने का नया तरीका खोज निकाला है। जहां कृषि उपज के दाम आधे से कम हो गए, वही दुगना होने का सपना दिखाना सारा सार धोखेबाजी है। इसलिए हम कहते हैं, हम वो कलम नहीं जो बिक जाती हो दरबारों में, हम वो कलम नहीं जो बिक जाती हो दरबारों में, हम शब्दों के दीपशिखा है अंधियारे चौबारों में, हम वाणी के राजदूत है सच पर मरने वाले हैं, और धोखेबाजों को धोखेबाज कहने की हिम्मत करने वाले हैं, धोखेबाज को धोखेबाज कहने की हिम्मत करने वाले हैं। महामहिम राष्ट्रपति साहब, हम हमारे कह पर बयान करने सीधे आपके पास नहीं आए हैं, बल्कि हमारी पीड़ाओं का हल निकालने के लिए जो यंत्रणा है, केंद्र, राज्य, जिला, तालुका और गांव, ये सारे यंत्रणा के दरवाजों पर दस्तक देके घायल होने के बाद ही हम आपके पास आए हैं। हमारे विकास के नाम पे काम करने वाले इस व्यवस्था की यंत्रणा से हमारा धोखा हुआ है। हमें सिर्फ इतने सपने दिखाए गए, इसलिए 1996 में जिस यंत्रणा ने स्वामीनाथन आयोग की नियुक्ति की, उस केंद्र का सरकार या स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करने में असफल साबित हो रहा है। फिर ये व्यवस्था हमारे किस काम की? सरकार निष्क्रिय किसकी भी हो, लेकिन ये सरकार की जो व्यवस्था है वो हमें जीने नहीं दे रही। भारत में सत्ता परिवर्तन बहुत बार हुआ, लेकिन किसानों की समस्याएं जैसी की वैसी है। इसलिए हमें अब सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं चाहिए, वो हमें अब व्यवस्था परिवर्तन भी चाहिए। खुदकुशी करने से पहले एक बार हम आखिरी आपके पास आए हैं। आप हमारे देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान हैं और आपके सामने ये विधवा महिलाएं बिना मांग और बिना सिंदूर के आंखों में एक उम्मीद लगाकर आपको देख रही है और आशा कर रही है कि जिस व्यवस्था ने इन मांग का सिंदूर छीना, उस व्यवस्था में बदलाव करने में आप निश्चित प्रयास करेंगे। इसलिए हम 130 करोड़ भारत की किसान बेटियां आपको विनती करते हैं, राष्ट्रपति साहब कुछ ऐसा कर जाओ कि पूरा देश देखता रह जाए, ऐसा कुछ कर जाओ कि पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परवेश देखता रह जाए। संसद को गुंडों से दागी चेहरा से खाली कर दो, इस दर से मरते किसानों के घर में खुशहाली भर दो, इस दर से मरते किसानों के घर में खुशहाली भर दो। 1970 के दशक में दाने दाने का मोहताज था ये देश। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा देकर भारतीय किसानों का और जवानों का हौसला बढ़ाया। उसी भारत देश में जिस सरकार ने आतंक मिटाने का आश्वासन दिया, वही आज खुद आतंकी बनकर किसानों पर गोलीबार कर रही है। बल्कि कहीं तो खुले जगह जिस देश में अनाज के गोदाम लबालब भरे पड़े हैं, जिस देश में अनाज के गोदाम लबालब भरे पड़े हैं, बल्कि कहीं कहीं तो खुली जगहों पर अनाज के ढेर लगे हैं। जब आजादी मिली तब सिर्फ 35 करोड़ की आबादी थी और देश में भूख की समस्या थी, अनाज की कमी थी। आज आबादी 130 करोड़ हो गई है और अनाज की कोई भी कमी नहीं है। फिर भी ये करिश्मा करने वाले किसानों के हिस्से में मौत क्यों आती है? भारत वर्ष की पहचान दुनिया में कृषि प्रधान देश के रूप में की जाती है, क्योंकि यहाँ की तकरीबन 70% आबादी कृषि क्षेत्र के ऊपर निर्भर है। आजादी के बाद औद्योगिक क्रांति हो गई और गांव का पढ़ा लिखा शहर की ओर आकर्षित हुआ। शहरी उद्योजकों को कृषि के मुकाबले आगे सुविधा देने के कारण
पड़ी। फिर भी किसी सभागृह में या किसी भवन में किसानों की हालत पर गंभीरता पूर्वक बात नहीं होती, बल्कि एसी में घूमने फिरने वाले कुछ नेता ये बयान दे रहे हैं कि किसानों की आत्महत्या शासन की गलत नीतियों से नहीं शराब पीने से हो रही है। मुझे आप बताओ, उद्योग क्षेत्र हो, व्यापार क्षेत्र हो, कला क्षेत्र हो या राजनीति, सब जगह शराब का प्रयोग होता है। फिर किसान ही की आत्महत्या की चिता पर जलता है। जवाब है कि अब बेरोजगार के बादल फटते हैं हमारी झोपड़ियों पर, अब बेरोजगार के बादल फटते हैं हमारी झोपड़ियों पर, कोई संसद बहस ही नहीं करती मरते किसानों पर, अब भी महलों के पहरे हैं पगंडी की सांसों पर, शोक सभाएं कहाँ हुई है किसानों की लाशों पर, शोक सभाएं कहाँ हुई है किसानों की लाशों पर। मैं जाते जाते ये की कहूंगी, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। जय जवान जय किसान।